गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हम आप लोग को बहुपद तथा बहुपद के गुणनखंड के बारे में बताएंगे। बहुपद तथा बहुपद के गुणनखंड, तो बहुपद तथा बहुपद के गुणनखंड के बारे में जानना है। तो बहुपद का अर्थ यह हुआ, बहुपद की पहचान कैसे करेंगे कि यक्ष के घात ऋणात्मक मान ना हो और यक्ष के घात भिन्नात्मक मान ना हो, यह बहुपद की पहचान हो गई। अब आ जाइए बहुपद के गुणनखंड। बहुपद के गुणनखंड को जानने से पहले हमें भाग का नियम जानना है। तो भाग के नियम से अर्थ यह हुआ कि जब जाति का जाति में भाग देते हैं तो जाति को ज्यों का त्यों रख देते हैं तथा उस पर लगे घातों को घटा देते हैं। अब जाति का तात्पर्य यह हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला का ए से लेकर जेड तक का अक्षर गणित की भाषा में जाति कहे जाते हैं। तो एक उदाहरण देखिए भाग का नियम, जैसे भाग कैसे देना है आपको। जैसे पहला नंबर है यक्ष पर चार घात बटे यक्ष पर दो घात बराबर, जब भाग देंगे तो भाग देते समय घातों को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पे बचेगा आपका यक्ष पर दो घात। यह हो गया। अब देखिए, अब बहुपद के गुणनखंड के बारे में हमें जानना है। तो बहुपद के गुणनखंड को जानने से पहले हमें एक चीज जानना होगा, कामन। कामन क्या होता है? तो कामन की परिभाषा यह हुई कि कामन का यह परिभाषा हुआ कि जो जाति सब में हो तथा कम से कम उस पर घात हो वही कामन कहलाता है। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए बहुपद के गुणनखंड का। जैसे यह मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, सवाल जैसे आपका दिया है यक्ष पर तीन घात वाई अधन वाई पर तीन घात यक्ष स्क्वायर। यक्ष पर तीन घात वाई है, अधन वाई पर तीन घात यक्ष स्क्वायर है। अब देखिए, अब धन के इधर एक पार्टी, धन के इधर एक पार्टी। अब देखेंगे यहाँ यक्ष है तो क्या इस पक्ष में भी यक्ष है? तो देख रहे हैं हाँ, यहाँ भी यक्ष है, एक जात वाला मिल गया। अब हमें यह देखना है कि इन दोनों में जो है कम घात किस पर है। तो देख रहे हैं यक्ष पर दो घात कम घात वाला है, तो इसे हम क्या करेंगे, कामन ले लेंगे। तो यक्ष पर दो घात कामन हो गया। अब देखिए यहाँ वाई है, अब देखना है दूसरे पक्ष में वाई है कि नहीं। तो देख रहे हैं यहाँ भी वाई है, तो दोनों एक जात वाला मिल गया। अब इसमें यह देखना है कि कम घात वाला कौन है, तो यहाँ वाई पर तीन घात या वाई पर एक घात, तो कम घात वाला आपका हो गया वाई, तो यहाँ वाई हो गया। अब उसके बाद से कामन ले लिए तो कोष्टक शुरू करेंगे। तो कोष्टक जब चालू हो गया तब भाग लेंगे प्रत्येक में। कामन लेने के बाद प्रत्येक में क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यह भाग देंगे तो यक्ष स्क्वायर से यक्ष क्यूब में भाग देंगे। तो अभी हमने बताया कि भाग देते समय घातों को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका यक्ष बचेगा और वाई से वाई कैंसिल। धन ज्यों का त्यों
यहां देखिए, यहां जब भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई से वाई क्यूब में भाग देंगे तो घटा देंगे, तो क्या बचेगा, बचेगा आपका वाई स्क्वायर, दैट्स ऑल इट इज योर आंसर। यह हो गया। मान लीजिए एक और उदाहरण देख लीजिए, एक और सवाल, जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन यह है, तीसरा नंबर क्वेश्चन यह है कि जो है दो एक्स स्क्वायर अधन बारह वाई पर तीन घात, दो एक्स स्क्वायर धन बारह वाई पर तीन घात। अब इसमें हमें कॉमन की पहचान करनी है कि कॉमन कौन हुआ, तो देखेंगे अंक में कॉमन की पहचान इस तरह की जाती है कि सबसे छोटा कौन है, अंक में सबसे छोटा कौन है, तो देख रहे हैं यहाँ दो है और यहाँ बारह है, तो सबसे छोटा हमारा दो होगा, लेकिन यह देखना है कि क्या इससे इस पक्ष वाला बारह कट रहा है कि नहीं, यदि कट रहा है तो यह कॉमन हुआ और नहीं कट रहा है तो कॉमन नहीं हुआ, तो देख रहे हैं कट रहा है तो इससे हम कॉमन ले, तो कॉमन ले लिए, तो दो से जब भाग देंगे कोष्टक चालू करेंगे, भाग देंगे तो दो से दो कैंसिल, बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, दो से भाग इसमें देंगे दो छके बारह, बचेगा आपका वाई क्यूब, यानी दो इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर धन छ वाई क्यूब, दैट्स ऑल इट इज योर आंसर।